माय नेम इज वसीम राजा। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट क्वेश्चन इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बार बेंडिंग स्केड्यूल बेसिक्स के। बार बेंडिंग स्केड्यूल बनाते वक्त जो हमारे बेसिक्स फार्मूलाज यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं आपको बात एक बात क्लियर करता जाऊँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ मैं आपको ये लेक्चर एक्सप्लेन करूँगा इस तरह आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और इसमें कंप्लीट जितने भी बार बेंडिंग स्केड्यूल्स हैं, बीम, स्लैब, स्टे या जिस किस्म के जितने भी बार बेंडिंग स्केड्यूल हैं उन सब के फार्मूलाज इसमें यूज़ किए गए हैं। लिहाजा यह आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी बार बेंडिंग स्केड्यूल्स हैं, स्लैब, बीम, कॉलम, जो भी रिलेटेड जिससे भी रिलेटेड हैं, वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है बार बेंडिंग स्केड्यूल बेसिक्स, इसमें जो बेसिक्स फार्मूलाज हैं वो क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार्स इन मिलीमीटर। जो हम मिलीमीटर में रिइंफोर्समेंट बार का डाया यूज़ करते हैं वो क्या क्या होता है, जिसमें सबसे स्मॉल जो डाया होता है वो 6 mm है, देन 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40। और स्टैंडर्ड लेंथ जो हम यूज़ करते हैं रिइंफोर्समेंट की, जो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ होती है, मतलब जो एक बार की लेंथ होती है वो हमारी होती है 12 मीटर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी लेंथ की लंबाई है वो 12 मीटर है। इससे ज़्यादा अगर हमें लंबाई की लेंथ चाहिए तो हम क्या करते हैं कि उसमें ओवरलैप डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्लैब जो है वो 16 मीटर की है तो उसमें जो है वो 12 मीटर तक तो हम यही लेंथ यूज़ करेंगे, उससे आगे जो है वो हम लैप डाल के तो वो बाकी का पीस हम कवर करेंगे। तो जो हमारी स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 12 मीटर ही हम रखते हैं, इससे ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होती। तो उसके बाद है हमारे पास वेट ऑफ बार इन पर मीटर के। पर मीटर जो हमारा वेट ऑफ बार होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वेट पर मीटर में डी स्केयर ओवर 162। डी जो है वो इसमें हमारा डाया है इन मिलीमीटर्स में। ये आपने याद रखना है कि ये जो डाया आपने इसमें पुट करना है वो मिलीमीटर में पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर 8 mm डाया की बार है हमारे पास तो उसमें हम डाया जो है वो 8 पुट करेंगे, 8 square over 162, तो ये हमारे पास 0.39 kg पर मीटर। मतलब जो 1 मीटर की बार होगी उसका वेट जो होगा 8 mm की, उसका वेट हमारे पास 0.39 kg होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड बार लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है, तो इस तरह अगर हम पूरी बार जो स्टैंडर्ड है 12 मीटर की बार है उसका अगर पूरी बार की हम अगर वेट कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा, बनेगा डी स्केयर ओवर 162 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार। तो डाया हमारे पास 8 mm है और स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो हमारे पास 12 mm होती है, 12 मीटर होती है। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा डी स्केयर ओवर 162 × 12। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4.74 kg पर बार आ जाएगा। जो 12 मीटर की बार होगी हमारी उसका टोटल वेट होगा 4.74 8 mm की, जबकि 1 मीटर का वेट होगा 0.39। तो इसी तरह हम अब चलते हैं फिट्स की तरफ। डायमीटर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार्स इन इंचेस क्या होगा हमारा, इसमें जो इंचेस में हमारा डाया होता है उसको हम नंबर्स में कंसिडर करते हैं और इंचेस में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि उसका इंचेस में कितना डाया होता है और मिलीमीटर्स में भी आपको बताया हुआ है। तो जब हम इंचेस में कैलकुलेट करते हैं या FPS सिस्टम में आते हैं हम, तो हमें सबसे जो छोटी बार होती है वो 3 नंबर की होती है, उसको जो कि 3x8 inch की होती है और 9.5 to 5 mm की होती है। अगर आप इस इंचेस को mm में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो 9.5 to 5 mm बनेगा। इसी तरह 4 नंबर की होती है जो 1/2 inch की होती है, इसी तरह 5 नंबर की होती है जो 5x8 inch की होती है, 6 नंबर की होती है जो 3x4 inch की होती है, 7 नंबर की होती है जो 7x8 inch की होती है, और 8 नंबर की होती है जो 1 inch की होती है, और उसके बाद 9 नंबर की होती है जो 9/8 की होती है, और 10 नंबर की 10/8। इसी तरह ये हमारी बार्स होती हैं। और साथ ही मैंने आपको आगे इसका मिलीमीटर्स में भी डाया बताया हुआ है अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। और जो हमारी फीट्स में FPS यूनिट्स में जो फीट्स में हमारी स्टैंडर्ड लेंथ होती है बार की वो होती है 40 फीट।
एक्चुअली जो एफपीएस सिस्टम है वो मोस्टली पाकिस्तान और यूएस में यूज़ होता है, जबकि बाकी वो जो मोस्टली गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनमें एमकेएस सिस्टम ही यूज़ होता है, मतलब कि हम मीटर्स में काम करते हैं, जबकि यूएस और पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में हम जो है वो एफपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, फीट्स वाला। तो इसमें स्टैंडर्ड लेंथ 40 होती है और एमकेएस में स्टैंडर्ड लेंथ 20 होती है, सॉरी 12 होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेट ऑफ बार केजी पर फिट में। अगर आपने केजी पर फिट में वेट फाइंड करना है तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है वेट पर फिट इज इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर 533, और इसमें डाया जो होता है वो मिलीमीटर्स में होता है। ये तो हमारा मिलीमीटर का फार्मूला है, इसमें हमने डाया मिलीमीटर्स में ही पुट करना है। तो आपकी जो नंबर फोर नंबर बार है तो आप उसमें चेक कर लेते हो कि वो कितने मिलीमीटर की बन रही है, जिसके मैंने पीछे आपको बताया हुआ है कि हर नंबर के आगे उसके मिलीमीटर्स भी लिखे हुए हैं। तो जो फोर नंबर की बार होती है वो हमारी 12.70 मिलीमीटर की होती है। तो अगर आपने फोर नंबर बार का डाया कैलकुलेट करना है, सॉरी वेट कैलकुलेट करना है पर फिट में, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा डी स्क्वायर ओवर 533। तो डाया जो होगा वो मिलीमीटर्स में होगा, तो फोर नंबर इन मिलीमीटर्स 12.70 बनता है, तो ये बनेगा डी स्क्वायर ओवर 533। तो ये सिंप्लीफाई करके 302 kg पर फिट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा एक फार्मूला है जिसमें आपने डाया डायरेक्ट नंबर्स में ही पुट करना होता है। ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया उसमें मिलीमीटर्स में पुट करना होता है, जबकि इसमें हमने नंबर्स में पुट करना होता है, मतलब 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, जितना भी नंबर है जिस नंबर की आप डाया की बार यूज़ कर रहे हैं वो आपने डायरेक्ट उसमें पुट कर देना है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है डी स्क्वायर ओवर 52, डी स्क्वायर ओवर 52.896 वेयर डाया इन नंबर्स। तो अगर हमारे पास डाया जो है वो फोर नंबर है तो उसको हम कैसे पुट करेंगे कि ये डाया फोर स्केयर ओवर 52.986 विच इज इक्वल टू 0.302 kg आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में अगर आप मिलीमीटर में आपने यहाँ पर पुट किया तो ये फार्मूला लगाया तो भी इतना ही वेट आया, और अगर आपने नंबर्स में पुट किया और ये फार्मूला लगाया तो भी यही वेट आया, क्योंकि फोर नंबर और 12.70 mm एक ही बार है। तो ये हमारे पास दो फार्मूले थे कि अगर आप मिलीमीटर में डाया पुट करना चाहते हैं तो ये लगाएंगे और अगर नंबर्स में पुट करना चाहते हैं तो ये लगाएंगे। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर जो आप डाया मिलीमीटर में पुट कर रहे हैं उसमें आपका आपका जो वेट आ रहा है वो केजी पर फिट में आ रहा है, केजी पर मीटर में नहीं आ रहा। फिट जो होता है वो मीटर से छोटा होता है। तो केजी पर मीटर में अगर आपने कैलकुलेट करना है तो वो पीछे वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है डी स्क्वायर ओवर 162 वो आपने यूज़ करना है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इसको मिक्सअप नहीं करना। अगर आपने नंबर्स में पुट करना है तो ये फार्मूला लगाना है, ये भी आपका वेट केजी पर फिट में ही देगा। उसके बाद अगर आपने पूरी वेट पूरी जो बार लेंथ है उसका वेट निकालना है तो क्योंकि केजीज में सॉरी जो फिट्स में हमारी स्टैंडर्ड बार की लेंथ होती है वो 12 होती है, तो अगर आपने पूरी बार का वेट निकालना है तो वही फार्मूला होगा। अगर आपने ऊपर वाले पहले फार्मूले से निकालना है तो डी स्क्वायर ओवर 533 इंटू स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार, तो डी जो है वो 12.70 होगा। तो डी स्क्वायर ओवर 533 इंटू 40 कर देंगे क्योंकि स्टैंडर्ड लेंथ हमारे पास 40 होती है, तो ये 12.70 ओवर 533 इंटू 40, तो ये हमारे पास पूरी बार जो है 40 फिट की बार जो है उसका हमारे पास वेट आ जाएगा 12.10 kg पर बार। इसी तरह अगर दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें नंबर्स में हम डाया पुट करेंगे तो ये फोर नंबर हमारे पास था, फोर नंबर और फोर का स्केयर और 52.89 मल्टीप्लाई बाई 40, तो भी वही जो है वो उसकी लेंथ का वेट आएगा, क्योंकि 12.70 और 4 नंबर दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट इनके लिए फार्मूला डिफरेंट यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर आपने मिलीमीटर में यूज़ करना है तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपने नंबर्स में पुट करना है तो आप नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जबकि जो आएगा वेट आपके पास वो केजी पर बार आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है कट लेंथ ऑफ मेन बार विद हुक। जो हम कट लेंथ मेन बार की कट लेंथ कैलकुलेट करते वक्त जो हुक्स यूज़ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है और कैसे कंसिडर की जाती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो कट लेंथ ऑफ मेन बार विद हुक, जो हम हुक यूज़ करते हैं मेन बार में, जिस तरह ये ऐसे बैंड हुई हुक होती है ऐसे कर्व की शेप में, वो हम नॉर्मली 9D लेते हैं। तो चूँकि हर बार में दो हुक्स यूज़ होती हैं, जो मेन बार होती हैं जो सबसे नीचे डली होती हैं, तो अगर हमने पूरी बार का लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो L+9D × 9D, मतलब एक ये 90 और एक ये 90 दोनों तरफ से लेंगे, और ये लेंथ लेंथ जो होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है जो आपकी ये लेंथ होती है, तो इसमें हम 90 लेते हैं अगर आप हुक बना रहे हैं। और अगर आप बैंड बना रहे हैं तो बैंड में डिफरेंट होता है, जो मोस्टली जो बैंड होता है वो 10D to 16D होता है, और ये इसका जो वेरीज करता है क्योंकि डाई के हिसाब से ये इसका फार्मूला चेंज होता रहता है। किसी में 10D लेते हैं, किसी में हम 12D लेते हैं, किसी में 14D, ये 16D तक होता है। तो ये आपके डाई के हिसाब से होता है, आपका डिज़ाइनर आपको
सजेस्ट करता है, उसने ड्राइंग में गिवन किया होता है कि आपने इस केस इस डाई के लिए आपने इतना जो है वो यूज़ करना है बेड, तो वो जो आपकी जो रिन्फोर्समेंट डिटेल्स की ड्राइंग्स होती हैं उस पर मेंशन होता है। तो ये मोस्टली 10D to 16D होता है, और तो जो हमारी लेंथ ऑफ बैंड होती है वो 10D to 16D होती है, डी जो इसमें है डाया है। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको 12D दिया गया है कि आपने 12D यूज़ करना है रिक्वायर्ड डाय के लिए, तो पूरी बार की लेंथ हमारे पास बनेगी एल प्लस 12D प्लस 12D, क्योंकि दो बैंड्स हैं हमारे पास, तो दोनों के लिए 12D इधर से ऐड किए, 12D इधर से ऐड किए, और ये लेंथ, तो पूरी बार की लेंथ जो मेन बार की लेंथ हमारी बनेगी वो एल प्लस 12D प्लस 12D बनेगी। तो ये है प्रोसीजर हमारे पास मेल बार की कट लेंथ कैलकुलेट करने का। उसके बाद हमारे पास आता है ओवरलैपिंग, के जो हमारे पास ओवरलैपिंग आती है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोस्टली हमारे पास ओवरलैपिंग जो होती है वो कॉलम्स में भी आती है, बीम्स में भी आती है, बाज़ का डेवलपमेंट लेंथ भी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों का हम कैसे फाइंड करेंगे, इनका क्या फार्मूला है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम नेक कॉलम यूज़ करते हैं, नेक कॉलम क्या होता है कि आप पहले नीचे फुटिंग क्रिएट फुटिंग जो है वो कास्ट करते हैं और ऊपर थोड़ी सी नेक छोड़ देते हैं ताकि इसके ऊपर आप अपना कॉलम स्टार्ट कर सकें। तो इन केस ऑफ दिस जो हम यूज़ करते हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जो नेक कॉलम टू फुटिंग ओवरलैप होता है, नेक कॉलम टू फुटिंग मतलब कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका फुटिंग तक का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि आप इतना ऊपर स्टील छोड़ देते हैं और इतना स्टील छोड़ने के बाद आपने ऊपर इसको लैप देना होता है यहाँ पर, क्योंकि जब भी हमने फुटिंग कास्ट करनी होती है तो पहले हम कॉलम कास्ट करना होता है, तो पहले उसकी फुटिंग कास्ट करते हैं फिर हम ऊपर कॉलम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम उसकी फुटिंग की रिइंफोर्समेंट डालते हैं तो उसमें ये जो बार्स होती हैं ये ऊपर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितनी छोड़ी जाती हैं या इनका डिस्टेंस कितना रखा जाता है, वो इतना रखा जाता है कि जो आपके नीचे जो आपका ये बैंड है इससे लेके यहाँ तक ये आपका 40D से 50D तक होता है, इसको हम कहते हैं नेक कॉलम टू फुटिंग ओवरलैप। ये आपका 40D से 50D होना चाहिए, इसके बाद आप ऊपर दूसरी बार बाइंड करके उसको ओवरलैप देके आप अपना कॉलम की शटरिंग करके दोबारा से कॉलम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ही टाइम में दोनों जो है वो कास्ट नहीं कर सकते, फुटिंग और कॉलम। आपने पहले फुटिंग कास्ट करनी होती है फिर कॉलम कास्ट करना होता है। उसके बाद कॉलम टू कॉलम जो बीम ओवरलैपिंग है, मतलब कॉलम टू कॉलम मीन्स कि अगर आपके दो कॉलम्स आ रहे हैं एक ही जगह पे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको ओवरलैप देना पड़ रहा है रिइंफोर्समेंट का, तो वो 50D होगा। अदरवाइज अगर आप कॉलम को बीम से कनेक्ट कर रहे हैं तो भी जो ओवरलैप देंगे वो आपका जो होगा वो भी 50D होगा। और अगर बीम की रिइंफोर्समेंट के दरमियान अगर कोई आप ओवरलैप दे रहे हैं, दो बार्स का आपस में ओवरलैप दे रहे हैं, तो वो भी आपका 50D होगा। एक्चुअली ओवरलैप की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपकी बार की स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर होती है, और अगर आपको 12 मीटर से ज़्यादा लेंथ देनी पड़ रही है कॉलम या बीम में तो आपको ओवरलैप देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपका 15D होता है। उसके बाद आपकी डेवलपमेंट लेंथ आती है इन डबल बार्स में, तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ है जो आपने ये नीचे फुटिंग में ये आपने ये जो आपका ये जो आपकी डबल्स होती हैं जो आपका वर्टिकल रिइंफोर्समेंट डबल्स कराता है, ये जो मेन बार्स होती हैं इसको आपने जब नीचे कनेक्ट करते हैं आपकी फुटिंग मेन बार से, तो ये आप इसको 90 डिग्री का बैंड देते हैं, इसको हम ये जो बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम डेवलपमेंट लेंथ ऑफ डबल बार्स कहते हैं। तो ये आपने 16D देना होता है, ये हमारे पास 16D होता है, डी इसमें डाया ऑफ बार है। उसके बाद जनरल ओवरलैपिंग में 12 mm बार फिनिश, कि अगर आपकी 12 मीटर बार फिनिश हो गई है, आप आगे दूसरी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें भी हम 50D ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब आप कॉलम को ऊपर बीम में कनेक्ट कर रहे होते हैं तो भी आप एक डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, उसको 90 डिग्री पे बैंड करके बीम के अंदर छोड़ देते हैं, वो भी आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो 50D ही ली जाती है, और डी इसमें डैफ बार होता है। तो यह था आपका ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। आगे हम चलते हैं, तो ये आपकी लैप होती है, लैपिंग जो है ये 50D हम रखते हैं। उसके बाद आपका कंक्रीट कवर आता है। कंक्रीट कवर आपका बेसिकली दो किस्म का होता है, स्पेस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड शटरिंग, जो रीइंफोर्समेंट और शटरिंग के दरमियान स्पेस होती है उसको हम कंक्रीट कवर कहते हैं। और कवर ब्लॉक्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग कवर, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंक्रीट कवर। कवर ब्लॉक्स हम यूज़ करते हैं कंक्रीट कवर प्रोवाइड करने के लिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने रिइंफोर्समेंट को कवर देना होता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ कायम रह सके और वो कोरोजन से बच सके। दो टाइप्स का होता है हमारे पास कंक्रीट कवर, एक क्लियर कवर होता है और एक इफेक्टिव कवर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये,
क्लियर कवर जो होता है वो ये आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है रिइंफोर्समेंट के बॉटम से लेके कॉर्नर तक होता है, जबकि जो इफेक्टिव कवर होता है वो रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके कॉर्नर तक होता है। तो जो इफेक्टिव कवर होता है उसमें तो हाफ डाया बार शामिल होता है, जबकि क्लियर कवर में हाफ डाया बार शामिल नहीं होता, इसलिए उसे क्लियर कहते हैं। तो जो इफेक्टिव होता है उसमें हाफ डाया बार भी शामिल होता है, ये आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको क्लियर कवर दिया गया है तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि उसमें हाफ डाया बार शामिल नहीं है, और अगर इफेक्टिव कवर दिया गया है तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उसमें हाफ डाया बार शामिल है। तो फुटिंग में नॉर्मली हम क्लियर कवर 75 mm देते हैं, कॉलम में 25 देते हैं, 25 to 50 mm, बीम में हम 25 to 50 mm देते हैं, और स्लैब में हम नॉर्मली 25 mm तक देते हैं। तो ये था हमारा कंक्रीट कवर। उसके बाद हमारी स्पेसिंग आती है, डिस्टेंस बिटवीन टू रिइंफोर्समेंट बार जो होता है वो हमारी स्पेसिंग कहलाती है, कि जो भी दो बार्स हैं उनके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है वो स्पेसिंग कहलाती है। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स आती हैं, नंबर ऑफ बार्स का हमारे पास फार्मूला होता है अपोजिट लेंथ और स्पेसिंग प्लस वन, जितनी भी लेंथ में आपकी बार्स डाल रही हैं ओवर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बार जो होता है वो स्पेसिंग कहलाता है प्लस वन। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ बार्स होंगे, जो कि हम आगे डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको यूज़ करते हुए बताएंगे कि इसको किसे यूज़ करना है। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टिरअप्स, कि नंबर ऑफ स्टिरअप्स का क्या फार्मूला होता है। नंबर ऑफ स्टिरअप्स का भी फार्मूला होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम और बीम, कि जितनी लेंथ में आपकी स्टिरअप्स डाल रही हैं वो ओवर स्पेसिंग, स्पेसिंग जो होती है वो एक स्टिरअप से दूसरी स्टिरअप्स तक का जो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होगा वो प्लस वन, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टिरअप्स आ जाएंगी। क्योंकि हम आगे कॉलम्स में यूज़ करेंगे या बीम्स में यूज़ करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इस फार्मूला को हमने किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद आपकी बैंड डिडक्शन होती है, बैंड डिडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है। ये 45 डिग्री का अगर बैंड हो तो 1D लेनी है आपने, 90 डिग्री का बैंड हो तो 2D लेनी है आपने, और अगर 135 डिग्री का बैंड हो तो 3D लेनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक मेल बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें दोनों साइडों पर बैंड आ रहा है, तो दोनों साइडों पर 90 डिग्री का बैंड है, तो आपने एक साइड के लिए 1D माइनस किया, दूसरी साइड एक साइड के लिए 2D माइनस किया, और दूसरी साइड के लिए 2D माइनस किया, क्योंकि वो 90 डिग्री का बैंड था। इस तरह बैंड ऑफ बार जब आती है तो वो 45 डिग्री पे उसमें बैंड होता है, तो वो 1D इसमें इन केस 45 के लिए 1D करना पड़ता है, और बाकी के जो 90s होते हैं उनके लिए 2D करना पड़ता है, जो हम मजीद आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्टली बैंड जो डिडक्शन होती है वो इंडिया में यूज़ की जाती है, बाकी कंट्रीज में इसको कंसिडर नहीं किया जाता है इतना, और जब आप इंटरनेशनल या गल्फ कंट्रीज़ में भी बारबेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें बैंड डिडक्शन कैलकुलेट नहीं की जाती, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। वैसे अगर आप करना चाहें तो उसका ये प्रोसीजर है। उसके बाद आता है हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक और बैंड अप बार। जो हमारी बैंड अप बार हम यूज़ करते हैं मोस्टली स्लैब्स में यूज़ होती है बैंड अप बार, तो उसमें जो हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे उसका क्या फार्मूला होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ये हमारे पास एक स्लैब है जिसमें ये इसके दो वाल्स हैं, इसके ऊपर ये स्लैब टिकी हुई है, उसमें ये हमारी बैंड अप बार है जिसमें ये आपका बेंट दिया हुआ है, और ये फिर इस तरह करके जा रही है ऊपर, और फिर ये इधर से इस तरह जा रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये यहाँ से जो वाल की आपकी बेरिंग जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ से लेके और नीचे जहाँ तक बार जा रही है आपकी बैंड होके वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है, जिसको हम LD से डिनोट करते हैं, और ये विच इज इक्वल टू 40D होता है। तो ये दोनों साइड पे ये आपकी ये इधर ये डेवलपमेंट लेंथ है, और इधर ये यहाँ से शुरू होकर ये डेवलपमेंट लेंथ है। तो ये हमने याद रखना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेवलपमेंट लेंथ है, जो कि 40D हम कंसिडर करते हैं, और ये आपकी H है जो कि यूज़ होती है, ये जो आपकी बैंड अप लेंथ है इसको कैलकुलेट करने के लिए। और ये H होता है आपका इस बार के सेंटर से लेके नीचली इस बार के सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ रिइंफोर्समेंट जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो H होता है, और ये इसका एंगल होता है 45 डिग्री बनता है, ये भी 45 होता है, ये आपका 90 है, और ये आपकी H कहलाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ बार हमारे पास क्या बनेगा फार्मूला, क्लियर स्पैन, ये जो आपका क्लियर स्पैन है एक बीम से एक कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम तक, प्लस क्रैंक लेंथ होती है आपकी, जो क्रैंक लेंथ ये जो आपकी क्रैंक लेंथ है इसको हम कहते हैं, प्लस डेवलपमेंट लेंथ होती है आपकी, ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ये दोनों साइड से आपने ऐड करनी है, माइनस आपके जो बैंड होते हैं अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो इसमें 1D इंटू नंबर ऑफ बैंड होगा, क्योंकि जो आपका 45 है उसके लिए 1D यूज़ होगा, तो आगे जितने बैंड होंगे 45 के इसमें 1, 2, 3, 4 बैंड हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, और 2D
जो है वो 90 के लिए यूज़ होगा। 90 के इसमें कितने बैंड हैं, एक ये है और दो दो ही बैंड है, तो ये 2D मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो नंबर ऑफ बैंड्स यूज़ होंगे। तो उसके बाद ये मोस्टली हम इनकेस अगर आप इंडिया में बार बैंडिंग स्केड्यूल कैलकुलेट कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपने ये डिडक्शन यूज़ करनी होती है, अदरवाइज़ ये दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होती। उसके बाद क्लियर स्पैन आपका क्या बनेगा, ये क्रैंक लेंथ जो होती है वो आपकी 2 × 0.42 H होती है। अब H क्या चीज़ है, ये आपको नीचे बताया गया है कि H जो है वो स्लैब थिकनेस माइनस 2 × क्लियर कवर माइनस D है। तो स्लैब थिकनेस आपकी ये है, ये H आपकी स्लैब थिकनेस है, तो ये फुल स्लैब थिकनेस आपने लेनी है। माइनस 2 ऊपर से भी क्लियर कवर माइनस करना है और नीचे से भी क्लियर कवर माइनस करना है। क्लियर कवर जो है उसमें डायाफ बार नहीं शामिल होती, लिहाजा इसमें आपने माइनस अलग से डायाफ बार करना है, तो वो आपका एच आ जाएगा। मतलब ये भी क्लियर कवर माइनस कर देंगे, ये भी क्लियर कवर माइनस कर देंगे, और ऊपर से हाफ डाया माइनस कर देंगे और नीचे से भी हाफ डाया, तो ये फुल डाया बन जाता है, इसलिए यहाँ पर फुल डाया बार लिखा हुआ है। तो ये आपकी एच आ जाएगी जो आप इसमें पुट कर देंगे। 2 इसलिए लिए कि दो बैंड्स हैं, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ है तो 2 है, तो इसलिए एल डी टू 2 कर दिया, और बाकी ये जो आपको बैंड डिडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। तो ये है कि 45 डिग्री बैंड के लिए हम 1D लेते हैं और 90 के लिए हम 2D लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कटिंग लेंथ ऑफ क्रैंक बार, के बाद हमारे पास आता है जनाब अली क्रैंक लेंथ। वो तो चीज़ जो थी वो हमने आपको 45 डिग्री बेल्ट एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज़ अगर आपका 45 डिग्री के अलावा अगर आपका क्रैंक होगा तो उसमें आप कैसे लेंगे, जो 45 डिग्री होता है उसमें तो हम 0.42D लेते हैं, जबकि जो 30 डिग्री होता है उसमें 0.27D लिया जाता है। अगर आपका ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का है तो उसमें आप 0.27D लेंगे। इसी तरह अगर 60 डिग्री होगा तो आप 0.58D लेंगे। उसके अलावा अगर आपकी एक्स्ट्रा बार, जो ये हम क्रैंक बार डालते हैं तो उसमें नीचे एक्स्ट्रा बार डाली जाती हैं, ये नीचे जो है ना ये थोड़ी एक्स्ट्रा बार दी जाती हैं, इनकी जो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम L/4 यूज़ करते हैं। तो अगर आपने एक्स्ट्रा बार की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए L/4 यूज होगा। तो यह थी आपकी क्रैक लेंथ एंड एक्स्ट्रा बार लेंथ। और उसके बाद हमारे पास आता है कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेरप्स, जो हमारी रेक्टेंगुलर स्टेरप्स यूज़ हो रही हैं उनकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है। तो स्टेरप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, रेक्टेंगुलर सर्कुलर होती हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसका हमारे पास फार्मूला है रेक्टेंगुलर स्टेरप्स कैलकुलेट करने का। कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेरप इज इक्वल टू A × 2 + B × 2 प्लस हुक लेंथ, जिसमें ये स्मॉल ए है, ये है ए और ये है बी, स्मॉल ए बी, और कैपिटल ये ए है और कैपिटल ये बी है। उसका हमारा फार्मूला होता है A × 2 B × 2 प्लस हुक लेंथ। अब इसमें ए क्या है और बी क्या है, तो ए को कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला है ए कैपिटल ए ये वाला माइनस 2 × क्लियर कवर, क्लियर कवर जो है दोनों तरफ से क्लियर कवर माइनस डी डाई ऑफ बार। इस तरह बी को कैलकुलेट करने के लिए बी, ये कैपिटल बी, दोनों तरफ से क्लियर कवर, ये वाला क्लियर कवर और ये वाला क्लियर कवर, 2 × क्लियर कवर माइनस डी डाई ऑफ बार। और हुक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × 10D, क्योंकि दो हुक्स हमारे पास, एक इधर से आके ये आ रही है और एक इधर से आके ये आ रही है, तो एक हुक के लिए हम 10D लेते हैं, तो दो है तो 2 × 10D। तो ये इनसे जो वैल्यूज आएंगी वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ स्टेरप आ जाएगी। उसके बाद रेक्टेंगुलर स्टेरप आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्टेरप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी फार्मूला है, ये भी हम कॉलम्स में यूज़ करते हैं। तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है, कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्टेरप विच इज इक्वल टू कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्टेरप विच इज इक्वल टू H × 2 + A + हुक लेंथ। तो इसमें ये H क्या है और A क्या है, तो H जो है वो ये है हमारे पास और A ये नीचे जो दिया गया है। तो H कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है X² + Y² √, ये 1/2 पावर ली गई है, इसका मतलब √ X² + Y² √। इसमें X क्या है विच इज इक्वल टू A/2 और Y क्या है B। अब ये A और B क्या है, तो A कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है A − 2 × क्लियर कवर − D। ये ए, ये कैपिटल ए है हमारे पास, ये नीचे ए माइनस ये क्लियर कवर और ये क्लियर कवर माइनस डाई ऑफ बार। और बी क्या है, स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी, ये कैपिटल बी, ये लेंथ और ये हाइट और -2 × क्लियर कवर − डाई ऑफ बार। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसको ट्रायंगुलर स्टेप्स को कैलकुलेट करने का। ये आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया, X = A/2 और Y = B है।
और एच विच इज इक्वल टू है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जो कि हमने ये ऊपर भी आपको बताया है। तो ये हमारे पास फार्मूला हम यूज़ करेंगे ट्रायंगुलर स्ट्रेस की, अगर हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है उसके लिए। और हुक लेंथ जो होती है वो हमारी 10D ली जाती है, किसी भी स्टेज कोई भी स्टेज पर उसमें 10D हुक लेंथ लेंगे, तो दो हुक्स हैं तो 2 × 10D। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसमें पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रेप आ जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी गई है कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए डिटेल में, वो आप देख सकते हैं हर बार्स की और हर स्टेरप की। उसके बाद हमारे पास आता है कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टेरप। तो इसको फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टेरप इक्वल टू पाई इंटू डी प्लस होक लेंथ। अब ये डी क्या है इसमें, तो डी का हमारे पास फार्मूला है डी इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 2 × ग्रील कवर माइनस डाया ऑफ बार। कैपिटल डी हमारे पास ये एक्सटर्नल डाया होता है, जो भी होगा वो आप यूज़ करेंगे, माइनस दोनों साइड से क्लियर कवर आप माइनस कर देंगे और डाया ऑफ बार जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास स्मॉल डी आ जाएगा। वो स्मॉल डी आप इसमें पुट करेंगे और हुक लेंथ का फार्मूला पुट करेंगे, तो आपके पास कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टेरप्स भी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें पुट करेंगे, डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है सर्कुलर स्टेरप की भी। उसके बाद आता है कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टेरप। तो डायमंड स्टेरप, डायमंड शेप की जो स्टेरप होती है उसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है एच इंटू 4 प्लस होक लेंथ। ये एच क्योंकि फोर्स है तो इसलिए एच इंटू 4 प्लस होक लेंथ। तो इसमें एच क्या होगा, एच का हमारे पास फार्मूला है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। तो इसमें एक्स जो है वो ए बाई टू है, वाई जो है वो बी बाई टू है। अब ए और बी क्या है इसमें, ए जो है वो कैपिटल ए माइनस 2 × क्लियर कर्व माइनस डी, ये कैपिटल ए, ये दोनों तरफ से क्लियर कर्व माइनस करेंगे माइनस डाया ऑफ बार कर देंगे तो स्मॉल ए आ जाएगा। और स्मॉल बी क्या होता है, कैपिटल बी, ये कैपिटल बी माइनस 2 × क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बार, तो ये ए और बी आ जाएगा। इस ए और बी को हम इसमें पुट करेंगे, एक्स और वाई आ जाएगा, इस एक्स और वाई को इस एच के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा, फिर इस एच को हम इसमें पुट करेंगे और हुक लेंथ को इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हुक लेंथ का हमारे पास फार्मूला होता है 2 × 10D, तो वो चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड स्टेरप भी आ जाएगी। नीचे एग्जाम्पल मौजूद है डिटेल में, उसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जाम्पल का लिंक दिया गया है। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ स्पायरल और हेलिक्स स्टेरप, ये मोस्टली जो आपकी पाइल्स होती हैं, पाइल्स के जो होती हैं उनमें यूज होती है हेलिक्स बार। ये जो आपकी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये इस तरह राउंड शेप्स में कॉलम के गिर्द घूम रही होती है। तो इसकी जो कटिंग लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला था लेंथ ऑफ हेलिक्स और स्पायरल बार एन सी स्केयर प्लस पी स्केयर स्केयर रूट। तो इसमें एन सी और पी क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एन जो है वो विच इज इक्वल टू एच ओवर पी प्लस वन होता है। एच जो है वो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ केज होती है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और पी जो है वो पिच होती है, ये आपका एक केज से लेके दूसरी केज तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, जो कि इधर तो 100 दिया गया, आपको कोई और दिया गया होगा, तो जो आपको दिया गया होता है उसको आपने यूज़ करना है। उसके बाद ये एन फाइंड करने का फार्मूला है, फिर आपने सी फाइंड करना है। तो एच जैसे किस्म होता है लेंथ ऑफ पाइल और पिच जो है वो पी है। उसके बाद सरकमफेरेंस होता है सी, जो कि पाई डी होता है, डी इसमें स्मॉल डी है, पाई इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी आपने कैसे फाइंड करना है, उसका ये नीचे फार्मूला दिया गया है डी विच इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 2 × क्लियर कवर माइनस डाया ऑफ बार। ये कैपिटल डी है या ये कैपिटल डी है, और ये दोनों तरफ से क्लियर कवर आपने माइनस करना है और डाया ऑफ बार माइनस करना है, तो आपके पास स्मॉल डी आ जाएगा। वो स्मॉल डी आप इसमें पुट करेंगे तो सी आ जाएगा आपका, और एन आपने ये फाइंड किया होगा, और ये जो पी है ये आपका ये है, ये आपको गिवन होता है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें पुट करेंगे तो आपके पास कटिंग लेंथ ऑफ स्पायरल बार आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आती है कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि रिइंफोर्समेंट में यूज़ होती है। तो ये आपकी चेयर है, ये कुछ इस शेप की होती है, ये मोस्टली फुटिंग्स में यूज़ की जाती है, जो आपकी कॉलम्स फुटिंग्स होती हैं उसमें, क्योंकि बॉटम स्टील भी यूज़ होता है और टॉप स्टील भी यूज़ होता है, तो दोनों स्टील्स को उसकी हाइट जो है वो उसको स्टेबल करने के लिए चेयर्स यूज़ की जाती हैं, ताकि आप जब ड्यूरिंग द कंक्रीट जब आप स्टील के ऊपर आप जब वॉकिंग करते हैं तो आपके जो अपर केज है वो बॉटम केज के साथ जो है वो बेंड ना हो जाए, तो उसकी बेंडिंग को बचाने के लिए हम उसके नीचे जो है वो स्पोर्ट्स देते हैं, स्पोर्ट्स के लिए हम चेयर्स देते हैं, चेयर्स देते हैं, तो इससे वो बेंड नहीं होती। तो उसका हमारे पास फाइंड करने का फार्मूला होता है, कटिंग लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है 2A प्लस 2D प्लस B। इसमें A ये है, ये भी A है, तो इसलिए 1 और 2A लिया है, ये D है, ये भी D है, ये दोनों इक्वल होती हैं तो इसलिए 2D लिया है, और ये B होती है, तो ये बी जो होती है ये हमारे पास 50D होती है जिसके आपको बताया गया। और ये ए जो होती है इसको फाइंड करना फार्मूला 2 × स्पेसिंग प्लस 50। ये जो स्पेसिंग है आपकी, ये जो आपने जो नीचे बार्स यूज़ कर रहे हैं आप,
जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है उनके दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो आपने जितनी भी होगी वो आपने इधर पुट कर देनी है, 2 × spacing + 50, ये आपका ए फाइंड करने का फार्मूला है। और बी जो है वो 50D होती है, डी डाई ऑफ बार है, और जो ये डी है ए आपने फाइंड कर ली, बी भी आपने फाइंड कर ली। अब ये जो कैपिटल डी है इसको फाइंड करने का हमारा आपको फार्मूला है फुटिंग हाइट माइनस जो टोटल फुटिंग हाइट होती है उसमें से आपने माइनस करनी है अपर प्लस लोअर कंक्रीट कवर प्लस अपर साइड मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस लोअर साइड मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें सिंपलीफाइड करने के बाद इसमें से फुटिंग हाइट में से माइनस करनी है तो आपके पास कैपिटल डी आ जाएगा। फिर उस कैपिटल डी को आपने इसमें पुट करना है और आपके पास कटिंग लेंथ ऑफ चेयर बार आ जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने डी कैसे फाइंड करना है मज़ीद। ये आपको फुटिंग की एग्जाम्पल दी गई है, ये आपके पास फुटिंग है इसमें ये आप नीचे देख सकते हैं ये बॉटम स्टील है आपका जिसमें ये बॉटम मेन बार है और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ये जो डार्ट्स में नज़र आ रही है ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं और ये जो सी शेप में नज़र आ रही है ये बॉटम मेन बार है। इसी तरह टॉप में ये टॉप मेन बार आपकी और ये चार आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, कभी चार होती हैं कभी इससे ज़्यादा भी यूज़ हो रही होती हैं, इस फुटिंग में चार यूज़ हो रही हैं। तो ऊपर की केज और नीचे की केज के दरमियान ये आपको चेयर यूज़ हो रही है, ये इस तरह रेक्टेंगुलर शेप्स की होती है और ये एक आगे की तरफ सीध निकला होता है, पीछे की तरफ वो तो आपको नहीं नज़र आ सकता क्योंकि ये सेक्शन है, तो ये इसमें चेयर दी गई होती है। तो इसको आपने ये जो डी है ये आपकी डी है, ये डेप्थ होती है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपकी डेप्थ है इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, फुटिंग हाइट ये आपकी एच जो है ये फुटिंग हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से आपने माइनस करना है अपर प्लस लोअर कंक्रीट कवर, कि ये ऊपर वाला कंक्रीट कवर और नीचे वाला कंक्रीट कवर फुटिंग का ये आपने माइनस कर देना है। दूसरा इसमें से क्या चीज़ आपने माइनस करनी है, अपर साइड मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जो ऊपर ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार ये दोनों आपने इसमें से माइनस कर देनी है, डाया ऑफ मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये अपर साइड एंड मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार डाया आपने दोनों को माइनस कर देना है इसमें से, और नीचे से आपने जस्ट जो है वो मेन बार माइनस करनी है, लोअर साइड मेन बार जस्ट माइनस करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माइनस करनी क्योंकि ये दो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के दरमियान में डाल रही होती है, ये जो है दरमियान में ये आपको डार्ट नज़र आ रहा है ये आपका चेयर का डार्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का डार्ट नहीं है, ये भी चेयर का डार्ट है क्योंकि ये हर दो डिस्ट्रीब्यूशन बार के दरमियान में बाइंड होती है, तो इसलिए हम नीचे से सिर्फ मेन बार ही माइनस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप माइनस करने के बाद ये जब सिंप्लीफाई हो जाएगा ये कैपिटल ब्रैकेट वाला पोर्शन तो इसको आपने फुटिंग हाइट में से माइनस करना है तो आपकी डी आ जाएगी, और उस डी को आपने जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है जो पीछे वाला आपका फार्मूला है ये इसमें आपने ये ए बी और डी से जो वैल्यूज आएंगी वो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो आपके पास कट लेंथ है वो आ जाएगी। ये मोस्टली जो चेयर बार्स होती है ये एक यूज़ की जाती है पर स्क्वायर मीटर में, अदरवाइज आपको मेंशन होती है ड्राइंग में, आप उस हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बार बिल्डिंग स्केड्यूल ऑफ बेसिक्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ये फाइल नीचे लिंक में मौजूद है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट फाइल है इसे डाउनलोड करें और ख़ुद से रीड करें और उन फार्मूलाज को ट्राई करें और हर फार्मूला का जो उसकी एक्सप्लेनेशन है और उसकी एग्जांपल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके अलावा आपको ऊपर वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा जैसे जैसे जो जो चीज़ आपकी एक्सप्लेन होना शुरू होती है उसमें ऊपर आपको कार्ड भी शो हो रहा होता है उस पर भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए गए हैं वो आप उस पर क्लिक करके इनकी एग्जांपल्स देख सकते हैं, मज़ीद आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुँच सके। मैं इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा और मेरी बाकी भी बार बिल्डिंग स्केड्यूल की वीडियोज़ आप लाजमी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई क्वेश्चन हो चलो मुझे बताएँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।